दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लू आईज ब्राउन रंग डोप शॉप जैसे फेमस हिट सॉन्ग्स जिन्हें हम हनी सिंह का मानते हैं ना, वो सॉन्ग्स हनी सिंह के है ही नहीं, बल्कि इन्हें हनी सिंह ने कई दूसरे आर्टिस्ट लाइक बादशाह और रफ्तार से चुराया है। और ये मैं नहीं बल्कि ये बादशाह और रफ्तार इन दोनों का ही कहना है। अच्छा क्या आपको पता है कि साल 2014 में ही बादशाह और रफ्तार ने 6 और हिप हॉप सिंगर्स के साथ मिलकर हनी सिंह के खिलाफ एक डिश ट्रैक निकाला था जिसमें बादशाह की लाइन थी, पर तेरा करियर तुझे मिल नहीं पाएगा, मैं गाड़ दूंगा ऐसा तुझे हिल नहीं पाएगा, मैं फाड़ दूंगा ऐसी बेटा सिल नहीं। अब ऐसे कई मौके आए हैं जहां बादशाह और रफ्तार दोनों ने ही हनी सिंह को अपने इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए टारगेट किया है। अब चाहे हनी सिंह के हनी 2.0 कमबैक सॉन्ग नागन को फैमिली फ्रेंडली ना बताना हो या फिर उनकी डिप्रेशन की बीमारी को सर्दी जुकाम बताना हो, वैसे ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर इन दोनों ने मिलकर हनी सिंह को हमेशा ट्रोल किया है। लेकिन एक समय था जब माफिया मुंडेर नाम के ग्रुप में ये तीनों ही आपस में बहुत ही गहरे दोस्त थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों में आज इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है? आखिर वो क्या चीज है जो हनी सिंह ने इनके साथ किया कि आज ये दोनों मिलकर हनी सिंह को लगातार ट्रोल कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सिनेरियो के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि आखिर मामला क्या है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों रिसेंटली बादशाह ने अपने नए सॉन्ग गॉन गर्ल में एक कंट्रोवर्शियल लाइन ऐड की थी कि किसी का तो कमबैक ही नहीं हो रहा, या फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। अब बादशाह का यहाँ पर इशारा हनी सिंह के कमबैक से था, जिसके बाद Amazon मिनी टीवी पर रिसेंटली स्ट्रीम्ड शो हिप हॉप इंडिया के फाइनल एपिसोड में रफ्तार, जिनका खुद का हनी सिंह से 36 का आंकड़ा चलता है, वो हंसते हुए बादशाह से पूछते हैं, बता देना किसका कमबैक नहीं हो रहा, जहाँ बादशाह हंसते हुए जवाब देते हैं, जिसको ये फील हो रहा है उसका। किसका कमबैक नहीं हो रहा? जिसको ये फील हो रहा है उसको फील हो रहा है। वैसे दोस्तों बादशाह और रफ्तार के इस बिहेवियर से आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ये दोनों हनी सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर क्या आपको पता है कि एक समय पर ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि रफ्तार और बादशाह के शुरुआती करियर में हनी सिंह ने माफिया मुंडीर बनाकर इनका सबसे ज्यादा साथ दिया था। पर आखिर तीन दोस्तों का ये प्यार दुश्मनी में कैसे बदल गया? तो इसका कारण भी माफिया मुंडीर ही था। राइवलरी बिटवीन बादशाह, रफ्तार एंड हनी सिंह। तो साल 2010 का दौर था, खोल बोतल, चार शनिवार और गेट अप जवानी जैसे कई हिट सॉन्ग्स में हनी सिंह एंड बादशाह ने मिलकर काम किया। उस समय पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, पर फिर अचानक 2012 आने तक इन दोनों के बीच एक राइवलरी शुरू हुई। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर कई कमेंट पास किए गए, कई एलिगेशंस लगाए गए। नाउ फॉर एग्जांपल, अपनी मूवी जोरावर के प्रमोशन के दौरान जब हनी सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें बादशाह इंडस्ट्री में रिप्लेस कर देंगे, तब हनी सिंह ने अपने आप को रोल्स रॉयस और बादशाह को नैनो से कंपेयर किया था। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। अब कई न्यूज पोर्टल्स की माने तो इस दौरान दिल्ली में हुई एक पार्टी के दौरान इन दोनों के बीच काफी तू तू मैं मैं हुई थी और यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई थी। हनी सिंह एंड रफ्तार्स राइवलरी। दोस्तों रफ्तार और हनी सिंह भी एक समय काफी अच्छे दोस्त थे, पर माफिया मुंडेर के टूटने के बाद बादशाह एंड रफ्तार दोनों ने ही हनी सिंह से दूरी बना ली और हनी सिंह पर उनके लिखे गए सॉन्ग्स के क्रेडिट ना देने के एलिगेशन लगाए गए। साल 2016 के दौरान रफ्तार ने अपने सॉन्ग स्वैग मेरा देसी में हनी सिंह को टीज किया। ऊपर काफी में तुमसे खड़ा, तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा, मैं आज हूँ, देखो मैं कितना बड़ा और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह। अब बदले में हनी सिंह ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे रफ्तार के बारे में सवाल पूछे जाने पर रफ्तार को जानने से ही इनकार कर दिया। हनी सिंह का ये कहना था कि मैं किसी रफ्तार को नहीं जानता, वो कौन है। इसके बाद कई सालों के लिए हनी सिंह पूरी तरह इंडस्ट्री से गायब हो गए, जहां कई रूमर सामने आई कि हनी सिंह को अल्कोहल और ड्रग्स की लत लग चुकी है एंड वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो साल 2021 के दौरान हनी सिंह का जब म्यूजिक में कमबैक हुआ, उसके तुरंत बाद ही रफ्तार और बादशाह ने दोबारा हनी सिंह के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2023 में रफ्तार ने हनी सिंह के नए सॉन्ग नागन को क्रिटिसाइज करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। इसी महीने बड़ा कमर्शियल गाना फैमिली फ्रेंडली पूरे कपड़े वाला बड़े बड़े बैनर लगवा के #NoNudity #उंगली करोगे हाथ दूंगा। इसके अलावा रफ्तार हनी सिंह के डिप्रेशन एंजाइटी का भी कई बार मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में जब हनी सिंह के फैंस की तरफ से उन्हें बैकलैश मिला, तब रफ्तार हनी सिंह की ओल्ड स्टेटमेंट वीडियो को सर्दी जुकाम के कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिसमें अपनी बीमारी से पहले एक पुराने इंटरव्यू में हनी सिंह कह रहे थे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन सर्दी जुकाम होती है और उसके लिए उन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ भी नहीं है,
वो एक सर्दी जुकाम है। ऑल्सो रफ्तार अपनी स्टोरी में भी पोस्ट करते हैं कि अबे अपने आर्टिस्ट के इंटरव्यू सुन लो, उसी के शब्द है, एंग्जाइटी डिप्रेशन सर्दी जुकाम है, दारू पी लेनी चाहिए, अंधों का काना राजा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर बादशाह एंड रफ्तार जो एक समय पर हनी सिंह के बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो अब उनके इतने कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका कारण था माफिया मुंडीर, जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज माफिया मुंडीर? तो दोस्तों, हनी सिंह के करियर की शुरुआत साल 2003 में पंजाबी सॉन्ग्स के साथ हुई थी और साल 2011 तक हनी सिंह ने कई हिट्स दिए थे, जिनके चलते पंजाबी नहीं बल्कि पूरे इंडिया और यहां तक कि वर्ल्ड वाइड हनी सिंह को जाना जाने लगा। उनके सॉन्ग्स ब्राउन रंग, देसी कलाकार, ब्लू आईज उस समय इंटरनेट रेडियो से लेकर हर चार्ट पर टॉप पर था, जिनसे आज भी लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और आज भी इन सॉन्ग्स को काफी पसंद किया जाता है। अब देखो, हनी सिंह को ना ऐसा पहला सिंगर माना जाता है जिसने इंडिया में हिप हॉप और पॉप कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। मुंडीर भी हनी सिंह द्वारा बनाया गया सिंगर का एक ग्रुप था, जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी, जब बादशाह ने सबसे पहले हनी सिंह के साथ इस ग्रुप में ज्वाइन किया। इसी दौरान हनी सिंह ने इक्का, लिल गोलू एंड रफ्तार जैसे कई और सिंगर्स को अप्रोच किया। इसके बाद इस ग्रुप में कई सिंगर्स आए और गए, पर ये पांच चेहरे इस ग्रुप के साथ जुड़े रहे और इस दौरान हनी सिंह का नाम काफी तेजी से उभरा और उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए थे, जिससे माफिया मुंडीर की भी पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ने लगी। हाउ माफिया मुंडीर ब्रोक? तो दोस्तों, इक्का सबसे पहले सिंगर थे जो माफिया मुंडीर से सबसे पहले अलग हुए थे, जिसका रीजन बताते हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रुप को छोड़ने की वजह पॉलिटिक्स थी और ग्रुप के एक मेंबर उन्हें आउटसाइडर कहते थे। अब इसी दौरान हनी सिंह का डोप शॉप सॉन्ग रिलीज हुआ, जो रिलीज के बाद ही वायरल हो गया। लेकिन इस सॉन्ग के वायरल होने के कुछ ही समय बाद ही रफ्तार और हनी सिंह के बीच अनबन होनी शुरू हो गई और रफ्तार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सॉन्ग उनका लिखा हुआ है और उन्होंने इस सॉन्ग के लिए शूट भी किया था, लेकिन हनी सिंह ने ना तो उन्हें सॉन्ग में रखा और ना ही उन्हें इस सॉन्ग की राइटिंग के लिए किसी तरह का कोई क्रेडिट दिया। इसके बाद रफ्तार ने भी माफिया मुंडीर से क्विट कर लिया। अब साल 2011 आने तक इस ग्रुप में केवल दो ही बड़े चेहरे थे, हनी सिंह और बादशाह। पर जब हनी सिंह एंड बादशाह का गेटअप जवानी सॉन्ग रिलीज हुआ एंड वायरल हुआ, उसके कुछ समय बाद ही बादशाह ने भी माफिया मुंडीर ग्रुप को ये कहते हुए छोड़ दिया कि गेटअप जवानी उनके द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग था और उस सॉन्ग में उन्होंने 5 से 6 लाख खर्च किए थे, जिसके लिए हनी सिंह ने उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे माफिया मुंडीर को छोड़ने का कारण पूछा जाता है, तब बादशाह कहते हैं कि आई थिंक हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो, देन एवरीवन थॉट हमारा तो कुछ होने नहीं वाला, सो एवरीवन लेफ्ट द ग्रुप। अब इसके बाद से ही टाइम टू टाइम बादशाह एंड रफ्तार दोनों ने हनी सिंह पर कई एलिगेशंस लगाए हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, रफ्तार की माने तो हनी सिंह का फेमस सॉन्ग ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा था, जबकि इसे कहते हैं हिप हॉप सिंगर लिल गोलू ने लिखा था। लेकिन इसके बावजूद हनी सिंह ने इन सभी सॉन्ग्स को खुद का बताया है और इनमें से किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया है। वैसे दोस्तों, 21 जून 2014 को हनी सिंह ने यह गाना रिलीज किया था जिसका नाम था इसे कहते हैं हिप हॉप और उस समय यह सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों को यह सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। लेकिन उस समय पर इस गाने ने एक कंट्रोवर्सी भी पैदा कर दी, क्योंकि इस सॉन्ग में ना एक लाइन थी कि सोचो अगर हनी सिंह कभी पैदा ना होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन कैसे होता। अब ये वाली लाइन ना काफी सारे सिंगर्स को पसंद ही नहीं आई। अब देखो, उस समय हनी सिंह अपने टॉप पर थे, लेकिन और भी सिंगर्स थे जो कि हिप हॉप की कैटेगरी में आते थे और जो अच्छे गाने गाते भी थे, लेकिन उनको उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। अब इस गाने से खफा होकर टोटल 8 सिंगर्स के ग्रुप ने मिलकर, जिसमें बादशाह और रफ्तार भी शामिल थे, इन सभी लोगों ने मिलकर जनवरी 2015 में एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था देसी हिप हॉप। और दोस्तों, अगर आप भी उस जमाने से हो तो आपने भी इस वाले गाने को तो जरूर सुना होगा। अब इस सॉन्ग में ऐसी कई सारे लाइनें थी जो सीधा हनी सिंह को टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल, सॉन्ग की शुरुआत होती है यू नो वी द बेस्ट नाउ, कर लो अरेस्ट नाउ, आ गया जमाना सड़ा, तुसी करो रेस्ट नाउ। और उसके बाद और भी काफी सारे लाइन्स थे, जैसे कि ये करके दिखाओ। और सॉन्ग में आगे बादशाह हनी सिंह को टारगेट करते हुए कहते हैं गिन गिन बाकी कर ले कोई चालाकी, पर तेरा करियर तुझे मिल नहीं पाएगा, मैं गाड़ दूंगा तुझे तू हिल नहीं पाएगा, मैं फाड़ दूंगा ऐसी बेटा सेल नहीं पाएगा। वैसे यहाँ रफ्तार वाला पार्ट तो और भी ज्यादा खराब था। वैसे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में ये पहला कोलैबोरेशन डिस ट्रैक था जो कि सिंगर्स ने किसी दूसरे सिंगर पर निकाला था। तो क्या आप इस सॉन्ग के बारे में पहले जानते थे, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वैसे इसके बाद डिस ट्रैक्स की काफी ज्यादा भरमार भी आई थी और फिर हमने
एमीवे बंटाई और रफ्तार के डिस्ट्रैक्ट को भी देखा, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब रफ्तार का क्लेम तो ये भी है कि हनी सिंह का फेमस सॉन्ग डोप शॉप एंड डुप चिक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इस सॉन्ग को भी हनी सिंह ने रफ्तार को बिना कोई क्रेडिट दिए रिलीज किया और उसे अपना बताया। नाउ रिसेंटली बादशाह ने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बात करते हुए कहा कि जब वो माफिया मुंडीर में थे तब रफ्तार और दूसरे सिंगर्स के आने के बाद हनी सिंह ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि उनके कॉल्स को भी उठाना बंद कर दिया। अब बादशाह ने आगे ये भी कहा कि उस समय मैं जॉब करता था, मेरी फैमिली मेरे लिए परेशान थी कि मेरे करियर का आगे क्या होगा, और ये प्रेशर काफी ज्यादा था क्योंकि साल 2006 से 2010 तक माफिया मुंडीर में रहने के बाद उनका हनी सिंह के साथ सिर्फ एक कोलैबोरेशन सॉन्ग गेट अप जवानी रिलीज हुआ था। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि बादशाह की खुद की लाइफ भी कई कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रही है, जिसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है फेक व्यूज। देखो साल 2018 में बादशाह ने एक पुलिस जांच के दौरान ये माना कि उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो पागल है को 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूड म्यूजिक वीडियो का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक कंपनी को 72 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट एंड कोरियन बैंड BTS का रिकॉर्ड तोड़ सके। हनी सिंह लंबे समय तक माफिया मुंडीर से जुड़ी इन कॉन्ट्रोवर्सीज पर और बादशाह एंड रफ्तार के इन एलिगेशंस पर चुप रहे थे, पर रिसेंटली एक पॉडकास्ट में हनी सिंह ने माफिया मुंडीर के बारे में बात करते हुए कहा कि माफिया मुंडीर कोई बैंड था ही नहीं, बल्कि ये तो एक प्लेटफॉर्म था जहां मुंडीर का मतलब है बॉयज ऑफ पंजाब। एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। और माफिया एक आइडियोलॉजी है जिस पर मैं काफी सालों से बिलीव करता हूँ। जैसे माफिया सड़कों पर क्राइम नहीं करते, बल्कि माफिया टेबल पर बैठे हुए सड़कों पर क्राइम्स करने वाले क्रिमिनल्स को कंट्रोल करते हैं। मैं उनके क्राइम से नहीं, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था। माफिया दे सिट ऑन टेबल विद सूट, दे कंट्रोल देम, दे कंट्रोल गैंगस्टर्स, दे कंट्रोल द स्ट्रीट्स। अब हनी सिंह आगे कहते हैं कि माफिया मुंडीर्स प्रिंसिपल वाज रिस्पेक्ट योर हायरार्की, व्हिच इज रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं, अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते तो। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं, अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो कि तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। हनी सिंह सॉन्ग्स कॉन्ट्रोवर्सी। तो दोस्तों हनी सिंह के गाने हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का पार्ट रहे हैं, खासकर इन सॉन्ग्स के टाइटल्स एंड लिरिक्स, जिनमें वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना और वल्गर लिरिक्स का यूज करना शामिल था। अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में हनी सिंह का फेमस एंड कंट्रोवर्शियल सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट भी उसी कैटेगरी में आता है, जिसके लिरिक्स के खिलाफ लॉयर संजय भटनागर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी सबमिट की थी, जिसके रिस्पॉन्स में हाईकोर्ट ने खुद इस सॉन्ग को सेंसर करने तक इस मूवी के रिलीज पर होल्ड कर दिया था। इसके अलावा हनी सिंह के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग वॉल्यूम 1 और मैं हूं बल जैसे कई सॉन्ग्स तो ऐसे भी रहे हैं जिनके चलते हनी सिंह को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े हैं, और इनके टाइटल ही नहीं लिरिक्स भी इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होते थे जिनका कई एनजीओज ने विरोध किया था। लेकिन लंबे समय तक हनी सिंह ने अपने इन सॉन्ग्स पर कोई भी सफाई नहीं दी, लेकिन साल 2013 में कल्पना मिश्रा ने change.org पर हनी सिंह के खिलाफ एक पिटीशन शुरू की थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा गुड़गांव के 5-स्टार ब्रिटिश होटल में नए साल पर हनी सिंह के होने वाले शो को कैंसिल करने की मांग की थी, और उनकी ये पिटीशन रंग भी लाई और हनी सिंह का ये शो कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद पहली बार हनी सिंह ने अपने इन कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स पर मीडिया से बात की और इन्हें अपना सॉन्ग बताने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये सॉन्ग्स किसी और ने उनके नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे, बट ऑलरेडी लोग रियलिटी जानते थे, इसीलिए हनी सिंह के इन वल्गर सॉन्ग्स पर खुद इंडियन हाईकोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ IPC सेक्शन 294 के तहत केस भी रजिस्टर कर लिया था। Now let's know why Honey Singh disappeared. तो देखो शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में हनी सिंह ने लुंगी डांस सॉन्ग को गाया, जिसे उस समय काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस दौरान हनी सिंह को शाहरुख खान के साथ कई टीवी शोज एंड इंटरव्यूज में मूवी प्रमोशन करते हुए स्पॉट किया गया, बट इसी दौरान मीडिया में ये खबर आई कि शाहरुख खान ने हनी सिंह को स्लैप किया। इस घटना के बाद से ही हनी सिंह मीडिया से पूरी तरह से गायब हो गए। अब उनके क्लोज फ्रेंड अल्फाज के मुताबिक ये रूमर बिल्कुल गलत था, पर हनी सिंह ने इस रूमर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सिद्धार्थ खन्ना के इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपने इस तरह से डिसअपीयर होने की वजह बताते हुए कहा कि जब मेरे साथ मेरी बीमारी शुरू हुई तब मैं अपनी लाइफ में काफी कुछ कर रहा था, उसी दौरान मेरा शाहरुख खान के साथ एक इंटरनेशनल टूर था एंड स्टार प्लस पर मेरा एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, साथ ही मैं एक पंजाबी मूवी में भी काम कर रहा था, लेकिन जब मैं कोलैप्स हुआ तब मुझे ये समझ आया कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकाइट्रिक सिम्टम्स है। मैंने अपने आप को कहा कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में, कुछ तो हो गया है,
मेरे को इसको ठीक करने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको ठीक करना है। जिसके बाद इसमें पूरे 5 साल लगे और मैं बेहतर होकर वापस आया। ये सब तो हनी सिंह की खुद की स्टोरी है जो वो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान हनी सिंह पूरी तरह से अल्कोहलिक के एडिक्ट बन चुके थे और इसी एडिक्शन ने उनके दिमाग में इस बीमारी को जन्म दिया था। वैसे हनी सिंह के इस तरह से अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री से डिसअपीयर होने और उनकी बीमारी पर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेयर इट ऑल भी अनाउंस की है। हनी सिंह कमबैक स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। तो देखो दोस्तों, हनी सिंह का कमबैक भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा, खास करके उनका सॉन्ग मखणा। तो अपने कमबैक हनी 2.0 को अनाउंस करते हुए साल 2019 में हनी सिंह ने मखणा सॉन्ग को रिलीज किया, जिसमें कई वल्गर लिरिक्स थे, जैसे मैं हूँ वुमेनाइजर एंड सिलिकॉन वाली लड़कियों को मैं पकड़ता नहीं। एंड ऑफकोर्स लोगों को इस तरह के सॉन्ग इस बार पसंद नहीं आए। ऑल्सो यहाँ हनी सिंह के लुक्स पर भी लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। इसके अलावा उनके रिसेंटली रिलीज सॉन्ग नागन के विजुअल्स तो ऐसे हैं कि एडिटर उसका एक सीन भी ऐसा नहीं ढूंढ पाया जो मैं आपको इस वीडियो में शो कर सकूं। अब अगर आपने सॉन्ग देखा है तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। पर इसके बाद हनी सिंह का कमबैक हनी 2.0 फेल हो गया और किसी ने भी इस बार हनी सिंह को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि उनके गाने उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन इसके बाद हनी सिंह ने थोड़ा और ब्रेक लिया और साल 2023 में फिर से एक बार कमबैक करने की कोशिश की, और इस बार हनी सिंह ने खुद को लॉन्च किया हनी 3.0 के साथ, जिसका गाना अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसका नाम है कला स्टार। अब कला स्टार सॉन्ग के साथ लग रहा है कि हनी सिंह पब्लिक के सेंटीमेंट को समझ रहे हैं, इसीलिए शायद वो अब साफ सुथरे सॉन्ग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कला स्टार रियली एक काफी अच्छा सॉन्ग है जो मुझे तो काफी पसंद आया और मैंने इसे कई बार रिपीट में भी सुने। वैसे अब देखते हैं कि हनी सिंह इसी तरह के पारिवारिक सॉन्ग बनाते हैं या नहीं, या फिर से अपनी पुरानी राह पर चले जाते हैं। तो आपको ये कला स्टार सॉन्ग कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और क्या आपको लगता है कि इस बार हनी सिंह का कमबैक हो जाएगा हनी 3.0 के साथ। वैसे देखते हैं, ये सॉन्ग तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, अब आगे वाले सॉन्ग्स के लिए वेट करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी और इस पूरे कंट्रोवर्सी का जो इतिहास है वो आपके सामने खुलकर आ गया होगा। अब आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जरूर जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।